इवन फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास टेंथ फिजिक्स पोर्शन कर रहे हैं और फिजिक्स में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो लाइट से रिलेटेड है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज एज द डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये सारा टॉपिक हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास ये एक कोई लाइन ऑफ इंटरफेस है। लाइन ऑफ इंटरफेस का मतलब है कि ये एक ऐसी लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड करके रखी है, और दो मीडियम जो डिवाइड हो रहा है ये ऊपर समझ लो कि इसके ऊपर रेयरर मीडियम है और यहाँ पर समझ लो कि ये डेंसर मीडियम है। और जो हम लोग फिनोमेना देखने जा रहे हैं उसमें रेयरर और डेंसर मीडियम के साथ साथ एक चीज़ और होना चाहिए कि लाइट डेंसर टू रेयरर ही जाना चाहिए, ये भी याद रखना। ठीक, अब ये हो गया। अब सपोज कर लेते हैं कि हम क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट सपोज कर लो कि ये है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का नाम सपोज कर लो कि ए है। यहाँ से एक रे चलेगी, तो ये रे चला दो आप, ये सपोज कर लो कि ऐसे एक रे आ गई, एक रे आ गई इस तरीके से, एक रे आ गई, और इस रे को आपने क्या किया है, नॉर्मल फॉल करा दिया है। नॉर्मल फॉल का मतलब हो गया कि ऐसे 90 डिग्री पर। लेकिन अगर नॉर्मल फॉल आपने करवाया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आर की वैल्यू जीरो है, और लाइट बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। लेकिन कभी भी सिंगल लाइट से इमेज नहीं बनती है, तो आपको दो लाइट आपको लेना पड़ेगा, तीन लाइट, चार लाइट ऐसे लेना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं एक लाइट इस सोर्स से और निकल रही है जो कि ये है, ये लाइट है, और ये लाइट इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर, लाइन ऑफ इंटरफेस जो है उसके इस पॉइंट पर, जिसके ऊपर यहाँ पर रेयरर मीडियम है, यहाँ पर रेयरर मीडियम है और यहाँ पर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम पी है, तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस पी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अगर हम देखें तो ये लाइट यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, पार्शियली रिफ्रैक्ट होगा, पार्शियली क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगा, ये पार्शियल रिफ्रैक्टेड, पार्शियल रिफ्रैक्टेड रे हैं ये। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक केस और होगा और उसको हम बोलेंगे कि पार्शियल रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है ये, और कुछ लाइट यहाँ एब्जॉर्ब भी होगी, यहाँ कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होगी। तो आपने देखा कि ये दोनों फिनोमिना याद रखना, पार्शियल रिफ्रैक्टेड रेज और पार्शियल रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली होता है ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ केस आर हैपेंस साइमल्टेनियसली एकदम एक साथ होता है, इसमें नो डाउट एक ही साथ होता है साइमल्टेनियसली, दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस केस में। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़रा ध्यान गौर से देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप देखोगे तो ये आई हमारा लेस देन क्रिटिकल एंगल है, आई लेस देन क्रिटिकल एंगल है, और ये भी आई हो गया है, और ये कितना है आर है, ये कितना है आर है।
ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका नाम दे दो पीबी, पीबी पार्शियल रिफ्लेक्टेड रेज है, और जो हमारा पीसी है वो पार्शियल रिफ्रैक्टेड रेज है। लेकिन अब यहीं हमें नहीं रुकना है, थोड़ा सा और आगे काम बढ़ाएं, और आगे काम बढ़ाएं तो एक रेज और यहाँ से निकालो, और ये कुछ हमने ऐसे निकाला, एक रे और निकाला, और इस रे को थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ ले लेते हैं, एक रे ऐसे निकाला, एक रे यहाँ पर निकाला, ये लाइट ऐसे जा रही है, और ये लाइट अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लो, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और फिर ये लाइट यहाँ पर क्या होगी कि हमने इस लाइट को देखा कि ये लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ये कुछ इस तरीके से ये लाइट जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, और इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं, जिस पॉइंट का नाम है क्यू, और ये लाइट सपोज कर लो सी डैश है, ये सपोज कर लो ये सी डैश है। तो हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और हम ये देखते हैं कि लाइट कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है, लाइट क्या होती है बेटे, रिफ्लेक्ट भी होती है, तो पार्शियल रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, रिफ्लेक्टेड लाइट है ये, याद रखना, और ये कैसा है, पार्शियल या पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट है, पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट है। आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर तो ये एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन चुका है, और रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। किसके लिए है ये 90 डिग्री, याद रखना, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए है, किसके लिए है ये भी याद रखना, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए है, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए आर की वैल्यू कितनी हो गई है, 90 डिग्री हो गई है, और ये 90 डिग्री गलत मैंने बना दिया है, रुको एक मिनट, ये 90 डिग्री मैंने गलत बना दिया है, थोड़ा सा देखो, ये 90 डिग्री यहाँ से नहीं होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये यहाँ से होता है 90 डिग्री, आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये किसके लिए होगा, ये रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए आर की वैल्यू 90 हो गई होगी, नॉर्मल से एंगल देखते हैं ना, नॉर्मल से एंगल देखते हैं, तो नॉर्मल से आर की वैल्यू 90 हो गई, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा, आर तो 90 हो ही गया है, और यहाँ पर जो है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आपको मिल गई, लाइट डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में गई है तो, और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन पार्शियल हो रहा है ये बात ध्यान रखना आप। एक लाइट और यहाँ से ले लो आप, एक लाइट मैंने यहाँ से ये ले लिया, और इस लाइट को मैंने ऐसे लिया और यहाँ पर इसको इंसिडेंट करवाया, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ आर, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या देखा ध्यान से, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये ग्रेटर दैन हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल, केस देखना, आई जीरो था, आई यहाँ पर लेस देन सी था, आई यहाँ सी के इक्वल हो गया, यहाँ आई ग्रेटर देन सी हो गया, देखो ये केस। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि लाइट आर रिफ्लेक्ट, लाइट जो है वो क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट है, और ये लाइट क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो अब की बार पार्शियल नहीं है, ये टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट है, ना तो रिफ्रैक्शन हुआ इस केस में, जब आई हमारा ग्रेटर दैन सी हो गया तो ना तो रिफ्रैक्शन हुआ और ना ही पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, तो क्या हुआ, ये दोनों घटनाएं नहीं हुई, ये दोनों घटनाएं यहाँ नहीं हुई, ये दोनों घटनाएं नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो क्या हुआ, टोटल रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, ये देखो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, टोटल रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि जो इंटेंसिटी इस आने वाली लाइट की है 100% मान लो इसकी इंटेंसिटी है, तो इसकी भी इंटेंसिटी 100% ही है, इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी भी इंटेंसिटी आई है, टोटल लाइट जब रिफ्लेक्ट हो गई तो हम ये बोलेंगे
टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होने के केस में हम बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, और इस केस में आई ये भी हो जाएगा क्योंकि ये आई है, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, ठीक है। और इस स्पेशल केस को, इस स्पेशल केस को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इस स्पेशल केस को, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसी पर्टिकुलर केस को। समझ में आ रही होगी बात, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं हुआ इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर हम देखें तो नो रिफ्रैक्शन अकर्स, तो यहाँ पर ये बात भी लिख सकते हैं, नो रिफ्रैक्शन अकर, यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन भी हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ, लेकिन आर पॉइंट पर, आर पॉइंट पर क्या हुआ, केवल और केवल रिफ्लेक्शन हुआ और टोटल रिफ्लेक्शन हुआ, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसमें इसकी इंटेंसिटी अगर 100% है इंसिडेंट एंगल की, इंसिडेंट रेज की, तो रिफ्रैक्टेड रेज की भी, रिफ्लेक्टेड रेज की भी वो इंटेंसिटी 100% ही होगी। याद रखना कि कोई और डिवाइस नहीं है, जैसा कि प्लेन मिरर वगैरह है, कोई और डिवाइस ऐसा नहीं है कि जिस पर 100% की लाइट अगर इंसिडेंट करे तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, मान लो एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट अगर ऐसे होती है और ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये इस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मान लो ऐसे ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी आई होगा और ये भी आर होगा और आई इक्वल टू आर होगा, तो लाइट को अगर ये रिफ्लेक्ट भी करता है तो अगर इसकी इंटेंसिटी 100% है तो इसकी इंटेंसिटी 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पार्शियल रिफ्लेक्शन करता है, क्या करता है, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन करता है और पार्शियली एब्जॉर्ब भी करता है लाइट को, पार्शियली ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो लाइट को साथ साथ में एब्जॉर्ब भी करता रहता है और रिफ्लेक्ट भी करता रहता है, इस वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उस रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी 100% नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट इसकी इंटेंसिटी लेस देन 100% होती, लेस देन इंसिडेंट रे की होती है, इंसिडेंट रे से इंटेंसिटी कम होती है। यानी कि जो ये वाली लाइट है, रेड कलर से मैं बना दे रहा हूँ, ये वाली लाइट है इसकी इंटेंसिटी लेस देन 100% होती है, लेस देन 100% होती है, इंटेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है, एब्जॉर्प्शन की वजह से, लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कहाँ कहाँ पर यूज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ यूज करते हैं, तो पेरिस्कोप बनाने में यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, पेरिस्कोप बनाने में यूज करते हैं इस फेनोमिना का, बाइनोकुलर बनाने में यूज करते हैं इस फार्मूला का, बाइनोकुलर बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है, बाइनोकुलर, ठीक है, बाइनोकुलर बनाने में यूज करते हैं, द सर्टेन टाइप ऑफ द कैमरा या कुछ स्पेशल तरीके का कैमरा बनाने में यूज करते हैं, इन सब चीज़ों की जगह पर, प्लेन मिरर की जगह पर इन सब चीज़ों को, TIR फेनोमेना को यूज करते हैं, प्लेन मिरर की को हटाकर TIR जैसे इवेंट की वजह से हम यूज कर लेते हैं और ये सब बना भी लेते हैं, पेरिस्कोप, बाइनोकुलर, कूलर वगैरह, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा और आप पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ मी और थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन एंड ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ गिवन बाय यू फॉर मी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका 10th जो ये फिजिक्स पोर्शन है ये आपके एग्ज़ाम से पहले कम्प्लीट भी करवा दूँगा और एक अरेंजमेंट बे में करवाऊंगा, बढ़िया से करवाऊंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका अगर यही प्यार,
बना रहे और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो आई होप कि आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।